Hey, what's up guys, Anushir, welcome to Adhesion course. और आज हम bit manipulation के ऊपर एक question करने वाले हैं, which is maximum ZOR of two numbers in an array. आपको एक array दे रखा है, उसके अंदर से आपको बताने हैं दो element जिनका ZOR करने पे सबसे ज्यादा value आने वाली है. अब ये question आपका try की help से होगा, क्योंकि try कर रहे हैं तो try की help से होने वाला है. लेकिन कैसे होगा वो आपको पहली बारी में देख के समझ में नहीं आता है. सबसे पहले तो question statement की बात करते हैं. Question क्या है, आपको एक array दे रखा है, जैसे यहाँ पर ये array है. आपको ऐसे दो numbers pick करने हैं जिनका ZOR maximum आ रहा है. तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नंबर अगर आप बाइनरी में लिखोगे तो ये नंबर कुछ इस तरीके से हो सकते हैं. यहाँ आपका 8 है, 5, 4, 9 और 1, राइट. ये इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है. अब इसके अंदर से दो एलिमेंट चूज कर रहे हैं जिनका ZOR मैक्सिमम है. जैसे अगर आप इन दोनों को चूज करते हो तो ZOR कितना आता है, 9 और 1 को चूज करोगे तो ZOR आएगा आपका 1000, जिसकी वैल्यू 8 होती है. क्या ये ZOR मैक्सिमम है? नहीं, इससे बड़ा ZOR हमें मिल सकता है. और वो कैसे मिलेगा, जब आप ZOR करते हो 8 और 5 का, इनको ZOR करोगे तो मिलेगा आपको 1101, विच इज 13. तो यहाँ से हमें 13 मैक्सिमम ZOR मिल रहा है. इससे ज़्यादा बड़ा ZOR कुछ मिल नहीं सकता दो नंबर्स को ZOR करके. तो 8 XOR 5, ये आपका 13 आ रहा है. तो आपको 13 आंसर बताने की क्या इसका मैक्सिमम ZOR है. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका आपके दिमाग में आ रहा होगा, विच इज़ यूजिंग टू फॉर लूप्स. उसके अंदर आपकी बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी. आप क्या करोगे, एक फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट करोगे आई वाला, और एक दूसरा वाला जे फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट करोगे. जितने भी पेयर्स बन रहे हैं आई और जे के, उन सभी का ZOR निकाल निकाल के चेक कर लोगे क्या ये मैक्सिमम है. अगर मैक्सिमम नहीं है तब तो आगे बढ़ जाओगे, अगर मैक्सिमम है तो आप मैक्सिमम वाली वैल्यू को अपडेट कर दोगे. एंड सो ऑन, इस तरीके से आप बढ़ते रहोगे. तो यहाँ से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर. लेकिन क्या इसे हम बिग ऑफ एन स्क्वायर से कम करके बिग ऑफ एन में कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. और यहाँ पर हम ट्राई यूज़ कर रहे होंगे. एक तरीका और भी है, सेट का यूज़ करके आप जितने भी ZORs बनते आ रहे हैं उनका सेट में डालते चलोगे, उससे भी आप कर सकते हो. लेकिन उससे बेटर तरीका यह है हमारा ट्राई वाला. जरा देखते हैं कैसे काम करता है. तो ट्राई वाले मेथड में सबसे पहले तो एक assumption है. assumption क्या है कि सारे के सारे नंबर आपके इंट होंगे. इंट होंगे मतलब आपके सारे सारे नंबर 32 बिट्स के अंदर आ सकते हैं. अब जरा समझते हैं कि मैक्सिमाइज ZOR का मतलब क्या है, मैक्सिमम ZOR का मतलब क्या है. ZOR मैक्सिमम कब होता है, सपोज करो दो नंबर्स में से एक नंबर होता आपका ये 4, तो अगर एक नंबर 4 होता तो 4 होता आपका कुछ ऐसा, ठीक है, 0100. और सपोज़ कर लेते हैं कि सारे के सारे नंबर 4 बिट के हैं. वैसे तो नंबर सारे के सारे 32 बिट्स के होंगे, लेकिन अपने टेस्ट केस के हिसाब से हम समझ लेते हैं कि सारे सारे नंबर जो हैं वो 4 बिट के हैं. तो हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए ZOR को मैक्सिमाइज़ करने के लिए कि सारे सारे बिट 1 हो जाए, राइट. मैक्सिमम ZOR तो तब आ सकता है जब सारे सारे बिट 1 हो. मतलब ये आपका होगा कुछ 17, राइट. तो हमें कुछ ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको इस 4 के साथ XOR करेंगे तो ये मिलेगा. तो वो नंबर क्या होगा, ZOR की प्रॉपर्टी हमें पता है कि वो नंबर होगा ये 1011. अगर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है इसके अंदर तब तो हमें मिल जाएगा डायरेक्टली 17 आंसर. अगर ऐसा कोई नंबर नहीं एग्जिस्ट करता तो हमें यहाँ से चलना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये वाला पॉइंट, ये वाली जो डिजिट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी होगी वही नंबर सबसे बड़ा माना जाएगा, ठीक है. तो हमारा ये तो 4 है. हमें जो नंबर चाहिए, जो हमें जिस नंबर की तलाश है उसके अंदर ये वाली डिजिट 0 से अलग होनी चाहिए, विच इज़ 1 होनी चाहिए. तो कौन सा नंबर है जिसके अंदर ये वाली डिजिट 1 है, तो ये दो नंबर है, राइट, 8 और 9, ठीक है. 8 और 9 है, बाकी सारे नंबर नहीं कंसिडर कर सकते हम. 8 और 9 को चूज़ करेंगे, बाकी सबको हम डिस्कार्ड कर देंगे. तो मैंने 5 को डिस्कार्ड कर दिया, 4 को डिस्कार्ड कर दिया और 1 को डिस्कार्ड कर दिया. 8 और 9 में से चूज़ करते हैं. अगली डिजिट हमारी 0 होनी चाहिए. तो 0 डिजिट किसकी है, तो दोनों की ही 0 डिजिट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगली डिजिट 1 होनी चाहिए. अगली डिजिट 1 किसकी है, दोनों में से किसी की भी अगली डिजिट 1 नहीं है. इसका मतलब हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो थोड़ा सा छोटा मिलने वाला है. कोई बात नहीं, कोई और ऑप्शन भी नहीं हमारे पास, यही दो नंबर बचे हैं. अगली डिजिट 1 होनी चाहिए. अगली डिजिट 1 किसकी है, अगली डिजिट सिर्फ 9 की 1 है. तो इसका मतलब 9 के साथ आप XOR करोगे इस नंबर का 4 का, तो आपको मैक्सिमम आंसर मिल सकता है. वो मैक्सिमम आंसर क्या होगा, वो मैक्सिमम आंसर होगा 1101, ठीक है. तो इस तरीके से हमें यहाँ से 1101 मिलेगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 17, लेकिन नेक्स्ट बेस्ट थिंग है बाई यूजिंग 4, ठीक है. जब हम 4 को यूज़ करते हैं, और वो क्या है, 8, 4, 12, 1, 13, उससे भी लकीली हमारा 13 आंसर आ जाता है. तो ये चीज़ आपको, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर करी है 4 के साथ, यही चीज़ आपको सभी नंबर्स के साथ दोहरानी है. हर नंबर के लिए ढूंढना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ZOR लेके आने वाला नंबर कौन सा है, और फिर इस तरीके से आप फाइंड कर लोगे कि वो नंबर कौन सा है. तो इसके लिए आपको जो दूसरा लूप चलाना पड़ रहा है, वो दूसरा लूप कितनी बार चलाना पड़ रहा है, लॉग ऑफ मैक्सिमम नंबर, राइट. ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई नंबर n है डेसिमल के अंदर, तो बाइनरी के अंदर वो नंबर की जो लेंथ होगी वो होगी लॉग बेस 2 एन प्लस 1, राइट. तो लॉग एन टाइम भी ट्रैवल करना पड़ रहा है मुझे. जैसे नंबर 9 था, तो लॉग 9 कितना होता है, 3 होता है, 3 प्लस 1 4. तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ, सिर्फ मेरे को 4 बार ही ट्रैवल करना पड़ेगा लॉग ऑफ मैक्सिमम नंबर्स, ठीक है. तो लॉग ऑफ मैक्स नंबर तो आपका 32 से ज़्यादा आ नहीं सकता, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ सारे नंबर इंट हैं. तो एटमोस्ट आपका एन मल्टीप्लाई बाय 32
कॉम्प्लेक्सिटी आएगी विच इज इक्वलेंट टू बिग ऑफ एन, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इसे बिग ऑफ एन में सॉल्व हो जाता है। तो यही चीज़ हमें सभी नंबर्स का दोहरानी है। अब जरा देखते हैं आप इसे कैसे कर सकते हो। तो इसी का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर ट्राई यूज़ करने वाले हैं। ट्राई के अंदर हम यहाँ से फिल करना स्टार्ट कर देंगे डेटा को। तो ये वाली हमारी रूट नोड होगी, उसके बाद वाली अगली इसके चिल्ड्रन, उसके बाद वाली इसकी चिल्ड्रन, उसके बाद वाले डिजिट उसकी चिल्ड्रन, इस तरीके से हम ट्राई के अंदर डेटा फिल कर रहे होंगे। तो जितने भी नंबर्स हैं इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को ट्राई के अंदर फिल कर लेना है, और उसके बाद हर नंबर के लिए एक ऐसी डिजिट फाइंड करनी है जो कि उसके रिवर्स है, जीरो के लिए वन, वन के लिए जीरो, इस तरीके से फाइंड करते हुए चलेंगे, नंबर्स को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जरा देखते हैं कैसे काम करेगा। पहले मैं इंसर्ट करता हूँ इनको ट्राई के अंदर। तो सबसे पहले एट को इंसर्ट करते हैं। एट के लिए हम जाएंगे यहाँ पर वन, तो रूट के अंदर वन भी खाली है, जीरो भी खाली है। मैं सपोज कर लेता हूँ नीचे वाली पोजीशन वन को डिनोट करती है, ऊपर वाली पोजीशन जीरो को डिनोट करती है, तो वन अभी खाली है, राइट, वन किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो एक नई नोड बना दो और वन को उसको पॉइंट करा दो। उसके बाद अगला जीरो है, जीरो इसके अंदर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो एक नई नोड बना दो और जीरो उसको पॉइंट करा दो, ठीक है। यहाँ पर ये जो नोड है ना, इसके अंदर सिर्फ मैं जीरो और वन ले रहा हूँ, एक तीसरी चीज़ और भी होती है विच इज एंड ऑफ वर्ड, लेकिन उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है इसके अंदर इस क्वेश्चन में। क्यों फ़ायदा नहीं है भैया? क्योंकि मैं सर्च थोड़ा करने वाला कभी भी कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, कोई नंबर इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। ट्राई के अंदर इज एंड ऑफ वर्ड का काम कब होता है, जो आपको चेक करना है कि कोई चीज़ सर्च करनी है, कोई वर्ड सर्च करना है। एट अगर आपको कभी सर्च करना है ट्राई में प्रेजेंट है तब फायदा है, लेकिन मैं ऐसा कोई ऑपरेशन करना ही नहीं वाला। तो बस मैं हर एक नोड के अंदर दो ही चीज़ें रखूंगा, एक जीरो का रेफरेंस, एक वन का रेफरेंस, उसी से हो जाएगा मेरा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो हम अगले वाले पे गए विच इज़ जीरो। हम देखेंगे क्या इसके अंदर जीरो पॉइंट कर रहा है, किसी को नहीं पॉइंट कर रहा, तो बना देते हैं एक नई नोड और जीरो इसको पॉइंट करा देते हैं। उसके बाद हमने देखा अगला जीरो है, क्या ये जीरो किसी को पॉइंट कर रहा है, नहीं ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो एक नई नोड बना देते हैं और जीरो को इसको पॉइंट करा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा वन जीरो 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 ये डल गया। अब अगला नंबर डालते हैं विच इज़ फाइव, ठीक है, फाइव को इंसर्ट करते हैं। फाइव के लिए हम देखेंगे क्या जीरो किसको पॉइंट कर रहा है, जीरो किसको पॉइंट नहीं कर रहा, तो डाल देते हैं यहाँ पे एक और जीरो को इसको पॉइंट करा देते हैं। फिर हम देखेंगे वन इसका किसको पॉइंट कर रहा, नहीं वन किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो बना देते हैं एक और वन इसको पॉइंट करा देते हैं। फिर अगला हम गए जीरो, क्या जीरो किसको पॉइंट कर रहा है, नहीं जीरो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो बना देते हैं एक और जीरो जो है इसका इसको पॉइंट करेगा। उसके बाद हम अगला गए वन पे, क्या वन किसी को पॉइंट कर रहा, नहीं वन किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो हम एक बना देंगे नई नोड और वन जो है वो इसको पॉइंट करेगा। इस तरीके से मैं सारे एलिमेंट इसमें डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे एलिमेंट अपने ट्राई के अंदर डाल लिए। अब मैं क्या करूँगा, इस एरे के अंदर ट्रैवल करूँगा और एक एक करके सारे एलिमेंट में जाऊँगा। जैसे इस एलिमेंट पर गया और मैं चेक करूँगा इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इस एरे के अंदर कौन सा एलिमेंट है जिसके साथ जोर करने पर मैक्सिमम आ रहा है, और उसको मैं स्टोर कर लूँगा। फिर मैं फाइव पर चले जाऊँगा और फिर फाइव के लिए सेम चीज़ ढूंढूंगा कि फाइव के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा नंबर कौन सा है जिसके साथ जोर करने पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इस तरीके से मैं सारे सारे एलिमेंट में चले जाऊँगा और मुझे मैक्सिमम जोर वैल्यू मिल जाएगी। पहले मैं जाता हूँ एट पर, एट होता है मेरा वन जीरो जीरो जीरो, वन जीरो जीरो जीरो। तो एट के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसके साथ जोर करने पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी? मुझे पता है मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी मुझे, जब मुझे ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जिनके अंदर ये वाली डिजिट एक्जैक्टली ऑपोजिट है। मतलब ये जीरो है, ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये मेरा एकदम आइडियल कंडीशन हो जाएगी अगर ऐसा कुछ मुझे नंबर मिल जाए। मतलब अगर इस एलिमेंट के अंदर कहीं पर सेवन रखा होगा ना, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू आंसर मिल सकता है, लेकिन मुझे पता है सेवन इसके अंदर कहीं फिल नहीं हो रखा। जरा देखते हैं फिर, जरा देखते हैं क्या पड़ा हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो मैं पहले क्या मुझे मिला, हाँ एट के अंदर पहली डिजिट होती है वन, तो वन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मुझे जीरो मिल सकता है इसके अंदर? मैंने देखा हाँ जीरो मिल सकता है, तो जीरो वाली जगह पर चले जाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ से आगे बड़ा नंबर मिलने की उम्मीद है, ठीक है। तो जब मैं वन का जीरो से एक्सॉर्ट करूँगा तो मुझे वन मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं एट के अगली डिजिट पर आऊँगा मुझे जीरो, मैं देखूँगा क्या जीरो है यहाँ पर, राइट, तो मुझे चाहिए वन, वन वाला कोई नंबर, क्या वन वाला कोई नंबर है, हाँ वन वाला नंबर भी है, तो इस साइड आ जाओ, तो इसका मतलब मुझे वन वाला नंबर भी मिल गया, और उसके साथ एक्सॉर्ट करूँगा तो मुझे ये दो डिजिट वन हो जाएंगे। अब मेरी एट की अगली डिजिट क्या है, एट की अगली डिजिट है विद दिस जीरो, राइट, तो यहाँ पर जीरो है, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए जहाँ पर यहाँ पर वन हो, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जितने भी नंबर्स हैं इसके बाद उनमें सभी में यहाँ पर जीरो ही रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो एक्सोर करने पे जीरो ही मिलने वाला है। बट कोई बात नहीं, यही चॉइस है आपके पास, तो आप यहाँ पर आओगे। अब आप एट के अंदर अगली डिजिट पे आओगे विच इज़ जीरो, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिसका, जिसमें यहाँ पर वन रखा हो, जिससे कि एक्सोर जो है मेरा वो वन आए। ऐसा कुछ है? हाँ ऐसा कुछ है, मुझे वन वाला मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर आकर रुक जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि ठीक है, जो मेरा मैक्सिमम एक्सोर आ सकता है यहाँ से वो ये आ सकता है, और आप देख लो ये हमारा 13 आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर संतुष्टि नहीं होगी, हो सकता है इससे भी बड़ा कोई जोर मिल जाए। तो यही सेम चीज़ अब मैं फाइव के साथ दोहराऊंगा, राइट,
आपको पता है 8 XOR 5 ही 13 आ रहा था, तो 5 के लिए मुझे अगेन 13 8 वाला मिलने ही वाला है। एक काम करते हैं 4 के साथ दोहराने का ट्राई करते हैं कि 4 के साथ क्या मिलता है। तो 4 होता है मेरा 0100 0100, तो पहली डिजिट होगी 4 की 0। तो मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसकी ये वाली डिजिट 1 हो। तो हाँ, ऐसे नंबर्स हैं जिनकी ये वाली डिजिट 1 है, ठीक है 1, और मेरा जोर आएगा इनको करने पर 1। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा 4 के अंदर, मेरी अगली डिजिट आएगी 1। ऐसा कोई नंबर जिसकी अगली डिजिट यहाँ पर 0 हो, सो दैट मेरा यहाँ पर 1 आ जाए, ऐसा कोई है? हाँ ऐसा है, जिनकी डिजिट 0 है। तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ जाऊँगा और यहाँ पर आगे बढ़ जाऊँगा। ऐसा कोई जिसका यहाँ पर 1 हो, जिससे कि मेरे को 1 मिल जाए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका यहाँ पर 1 हो, बट कोई बात नहीं, जो भी मिल रहा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 रख के, यहाँ पर 0 रख के आगे बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 0 है तो मुझे 1 वाला चाहिए, राइट? 1 वाला कोई है? हाँ 1 वाला है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से भी मिल जाएगा। तो ये किसके साथ है? तो 4 XOR 9 करने पे भी आपको 13 मिलता है, ठीक है? 4 XOR 9 भी आपको 13 ला के दे रहा है। एक काम करता है 1 के साथ चला के देखते हैं 1 में क्या मिलता है। तो 1 होता है आपका 0001। तो आपको कुछ एसेंशियली ऐसा कुछ चाहिए 1110, सो दैट आपको 1111 मिल सके। देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो प्रेजेंट है नहीं, राइट? यहाँ पर 0 है, राइट? तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए जहाँ पर 1 हो, तो 1 वाले में चले जाता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ आ गया, तो यहाँ पर मुझे 1 मिल गया, जिससे कि ये मेरा 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 0 है, मुझे ऐसा कुछ चाहिए यहाँ पर 1 हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, तो मुझे यहाँ पर 0 के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी 0 आएगा, ऐसा कुछ जहाँ पर 1 हो, सो दैट मुझे यहाँ 1 मिल सके। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर 1 हो, तो मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा 0। ऐसा कुछ जहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर 1 है। हाँ ऐसा है, ठीक है, 0 वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे फिर ये 1 मिल जाएगा। तो 1 अगर मैं चूज़ करूँगा, तो 1 के साथ मुझे दूसरा नंबर जिसके साथ जोर करने पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, विच इज़ 9, वो है 8, ठीक है? 1 XOR 8 9 आता है, लेकिन ये 13 से छोटा ही है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो 13 ही होगा, जो कि आपको मिल सकता है या तो 8 XOR 5 करके या फिर 4 XOR 9 करके। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन काम करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कैसा लॉजिक है। अब जरा सा कोड देख लेते हैं, कोड बहुत ही सिंपल रहने वाला है। तो ये रहा हमारा कोड मैक्स जॉर, इसके अंदर हमें एक एरे दे रखा है और नंबर दे रखे हैं, कितने नंबर हैं टोटल इस एरे के अंदर। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एक ट्राई नोड बनाने वाला हूं मैं। ये ट्राई नोड के अंदर मैंने सिर्फ 2 चीज़ें रखी हैं, 0 और 1। मैंने कुछ इज एंड ऑफ वर्ड जैसा बुलेट नहीं रखा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सिर्फ हर एक नोड के पास 0 और 1 का रेफरेंस हो, उसी से हमारा काम चल जाने वाला है। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम रूट नोड बनाएंगे और आंसर में मैंने 0 रख दिया है। मैं एक एक करके सारे नंबर्स को इंसर्ट करने वाला हूँ, ठीक है? एक ट्राई बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं सारे नंबर्स इंसर्ट करने वाला हूँ। तो वो इंसर्ट वाला कोड देख लेते हैं पहले। तो क्या करेगा, ये रूट लेगा और वो नंबर लेगा जो इसको इंसर्ट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले एक करंट से स्टार्ट करेगा, वही इंसर्ट वाला लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक जो है थोड़ा डिफरेंटली काम करेगा। पहले तो हम करेक्टर बाय करेक्टर जा रहे थे एक स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पर हमें डिजिट बाय डिजिट जाना पड़ेगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो मुझे बताना है पहले 31st डिजिट, राइट? यहाँ पर सिर्फ 4 डिजिट के नंबर नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पर नंबर जो मिलेंगे वो आपके बहुत ही बड़े होंगे। ये आपकी 31st डिजिट होगी, राइट? तो 31st डिजिट मुझे बताने की 0 है या 1 है, और फिर मैं उसी हिसाब से उसको डालूंगा अपने ट्राई के अंदर। तो मुझे बताना है 31st डिजिट कौन सी है। तो उसके लिए सिंपल सा एक हैक है, बिट बताने के लिए नंबर को राइट शिफ्ट कर दो 31 टाइम और उसके बाद 1 के साथ एंड करके देख लो कि वो बिट 1 है या 0 है। अगर यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, सपोज करो ये वाली बिट 1 होती, 31st बिट अगर 1 होगी, तो अगर आप इसे 31 टाइम राइट शिफ्ट कर दोगे तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा एंड में, और उसके बाद अगर इसको 1 के साथ एंड करोगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर 0 होता तो 1 के साथ एंड करने पर 0 मिलता। तो इससे आप बता सकते हो ये वाली बिट कौन सी है। तो सिंपल सा छोटा सा एक बिट मैनिपुलेशन का है क्या। अगर ये वाली बिट 0 है तो हम चेक करेंगे अपने करंट के अंदर कि क्या करंट के अंदर 0 नल है क्या। अगर करंट के अंदर 0 नल है, इसका मतलब रूट के अंदर कहीं, मतलब इस नोड के पास 0 का कोई रेफरेंस नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो हम वो 0 का रेफरेंस पहले तो नई नोड बनाएंगे और उसके बाद 0 के रेफरेंस को इस नई नोड को पॉइंट करा देंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर करंट को आगे बढ़ा देंगे, करंट इक्वल टू करंट डॉट 0, करंट हमारा आगे बढ़ जाएगा, इसी करंट जो है फिर इस नई नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। अदरवाइज अगर ये बिट जो है वो 1 होगी तो हम एल्स पार्ट में आएंगे और हम चेक करेंगे क्या इसके अंदर इस नोड के पास 1 का रेफरेंस है क्या। अगर 1 का रेफरेंस है तो सीधा करंट इक्वल टू करंट डॉट 1 कर दो, लेकिन अगर 1 का रेफरेंस नहीं है तो एक नई नोड बनानी पड़ेगी और उसके अंदर करंट डॉट 1 को नई नोड को सेट करना पड़ेगा और फिर फाइनली हम करंट इक्वल टू करंट डॉट 1 कर देंगे। इस तरीके से हम चलते रहेंगे, सारी 31 डिजिट्स में जाएंगे, जितनी भी 31 इसके अंदर बिट्स हैं, और उसके बाद ये हमारा इंसर्ट ऑपरेशन काम करेगा, ठीक है? तो फॉर लूप चला के मैं यहाँ पर ये इंसर्ट कर रहा हूँ। आप लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रही है इस फॉर लूप की, तो आप देख सकते हो हम यहाँ पर एंड टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन जो इंसर्ट वाला फंक्शन है ना,
इसको आप कह सकते हो कि ये कॉन्स्टेंट ही है। कॉन्स्टेंट कैसे भाई, यहाँ पर तो आप फॉर लूप चला रहे हो, लेकिन जो फॉर लूप है ये सिर्फ आप देख रहे हो 32 टाइम्स ही चल रहा है, तो इसे हम कॉन्स्टेंट कह सकते हैं, 32 टाइम्स एन विच इज एन। तो यहाँ पर हमारा इंसर्ट ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अपने क्या करना है, एक एक करके नंबर पकड़ना है और हमें चेक करना है इस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग अगला नंबर कौन सा हो सकता है इस पूरे एरे के अंदर या फिर इस पूरे के पूरे ट्राई के अंदर, जिसके साथ एक्सोर करने पर मैक्सिमम वैल्यू मिल सके और उस मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। फिर हम अगले एलिमेंट के साथ भी सेम काम करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप बनाऊंगा, ये हमारा वन से स्टार्ट होगा। इसके लिए मैंने एक नया फंक्शन बना लिया फाइंड मैक्स एक्सोर। क्या करेगा, ये ट्राई नोड लेगा, मतलब वो पूरा पूरा ट्राई लेगा और उसके बाद एक नंबर लेगा एन और चेक करेगा इस एन के साथ कौन सा वाला नंबर जो है मैक्सिमम जोर ला के देगा और उस मैक्सिमम जोर को रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने करंट इक्वल टू रूट के साथ। आंसर मैंने जीरो बना लिया है, वही 31 बिट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने पहले बिट निकाली 31st बिट कौन सी है और सी के साथ फिर 30th बिट, फिर 29th बिट, इस तरीके से चलता रहेगा ये लूप। बिट निकाली हमने, चेक किया अगर ये बिट 1 है तो मैं चाहता हूँ 0 वाली जगह पर जाना। ठीक है, तो अगर ये बिट 1 है तो मैं चेक करूँगा क्या इसका 0 नल है, अगर इसका 0 नॉट नल है तब तो फिर 0 वाली जगह पर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो मैं आंसर के अंदर ऐड कर दूंगा आंसर प्लस इक्वल टू 1 एक्सोर आई, क्योंकि मुझे आंसर के अंदर क्या चाहिए, आंसर के अंदर मुझे चाहिए फाइनल वैल्यू विच इज़ द एक्सोर इटसेल्फ। ठीक है, तो आंसर के अंदर मैं ये चीज़ रखना चाहूँगा, दिस थिंग। तो पहली बार मैंने आंसर में डाल दिया 1000 और जब 9 की बारी आएगी तो मैं इसके अंदर 1 ऐड कर दूंगा, तो इसलिए मुझे 9 मिलता है यहाँ से। ठीक है, ये बात क्लियर है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की हुई है। एल्स अगर बिट 1 है और अगर मेरा करंट का 0 जो है वो नल है तब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, राइट। तो मेरे को सीधा करंट इक्वल टू करंट डॉट 1 करना पड़ेगा कि मैं 0 वाली साइड नहीं जा सकता, 1 वाली साइड चले जाता हूँ। ठीक है, और अगर मेरी बिट लेकिन 1 नहीं है, बिट अगर मेरी 0 होती तो हम एल्स में आएंगे और एल्स में भी सेम काम रिपीट करेंगे कि अगर एल्स में मुझे मेरी बिट 0 है और 0 है तो अगर मेरे पास 1 की साइड जाने में मुझे फ़ायदा है तो मैं चेक करूँगा क्या 1 नॉट नल है, अगर 1 नॉट नल है तो 1 की साइड चले जाते हैं और आंसर में अपेंड कर देते हैं ये चीज़ और फिर 1 में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर 1 नल मिला तो मुझे 0 की साइड जाना पड़ेगा, इस बार मैं आंसर में अपेंड नहीं करूँगा कुछ भी। ठीक है, और इस तरीके से करते करते हम फाइनली अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। इस चीज़ को हम यहाँ पर कॉल कराएंगे आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर, आंसर को मैंने 0 से स्टार्ट किया हुआ था यहाँ पर, या फिर जो यहाँ से वैल्यू मिल रही है। ठीक है, AI से जो भी वैल्यू मिल रही है और फिर हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। तो इस तरीके से हमारे ये पूरा का पूरा कोड काम कर रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम चला के देखते हैं चलता है कि नहीं, सबमिट करते हैं, ये सबमिट भी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पूरा पूरा कोर्स समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हमारा यहाँ पर DSA 1 कोर्स ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर हमने काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, काफ़ी सारी चीज़ें करी, काफ़ी लोगों की इस कोर्स से हेल्प हुई। अगर आप लोगों की हेल्प हुई तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। दिस वॉज द लास्ट वीडियो। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आपको करने हो तो डेफिनेटली जाके करते रहो क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो। हमारा DSA 1 नाम का एक पूरा का पूरा ग्रुप चलता है, उसके अंदर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बाकी एक प्रॉपर अनाउंसमेंट वीडियो मैं बनाऊंगा इसके अंदर, ठीक है, कि हमारा कोर्स हमने क्या क्या चीज़ें करी, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो इसके बाद। तो इसी के साथ हमारा कोर्स यहाँ पर समाप्त हुआ, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज़ में, मिलते हैं, बाय बाय।